Tania Aidrus, जो के डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन गूगल रह चुकी हैं और पार्ट टू डिजिटल पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कॉस्ट लेके पाकिस्तान आ रही हैं और गूगल को क्विट करना चाह रही हैं और वो सिलिकॉन वैली जैसा एक मॉडल चाहती हैं शायद पाकिस्तान के अंदर, अगर इतनी बड़ी कॉस्ट पे वो वाकई पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं। तो आज मैं भी उनके साथ बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अपना एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल कहें, बिजनेस फ्रेमवर्क कहें, या मेरी एक बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के ऑल्टरनेट या उसकी टक्कर का, तो आज मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है जुनैद अख्तर खान और आप देख रहे हैं जैक एजुकेशनल टीवी। साल से फिजिकल टू डिजिटल की कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने वर्कशॉप्स किए हैं इससे रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने एक मोबाइल ऐप का फ्रेमवर्क बनाया है और मुझे इसके लिए हाई परफॉर्मेंस टीम चाहिए, मोबाइल ऐप डेवलपर्स और वेब डेवलपर्स की, और एक एंजल इन्वेस्टर की जरूरत है। सबसे पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से कांटेक्ट किया सिटीजन पोर्टल मोबाइल ऐप के ऊपर, जिसमें हमेशा की तरह एक रिवायती जवाब आया कि आपकी कंप्लेन या आपकी सजेशन इनिशिएट कर दी गई है। फिर उसके बाद मैंने फवाद चौधरी साहब से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। हमारे यहां सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर किसी कॉज, किसी कैंपेन के ऊपर या किसी चीज का इनिशिएट किया जाता है तो उसका कोई वेब पोर्टल नहीं बनाया जाता, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने किया कि उसका कोई वेब पोर्टल नहीं बनाया और उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए कि किसी के पास कोई आइडिया है टेक्नोलॉजी के हवाले से या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा डेवलप किया, वेब पोर्टल डेवलप किए तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अगस्त के महीने में 2019 के अंदर जो है वो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि कुछ भी नहीं हुआ हमेशा की तरह। फिर उसके बाद मैंने ईमेल की थी गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब को और उसका जवाब आया ईद के बाद, और उन्होंने मुझे ईद के बाद, मीठी ईद के बाद उन्होंने मुझे गवर्नर हाउस मधु किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने जितने भी आपके प्लेटफॉर्म या जो भी प्रोजेक्ट है, जो आपका आइडिया है, इनोवेशन आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उस के हार्ड कॉपी सबमिट करवा दीजिए गवर्नर हाउस में, वो मैंने करवा दी। और एक और जो कॉस्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं पिछले 2 साल से, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप का भी जो गेम चेंजर कोर्सेस हैं उसका और इस मोबाइल ऐप के दोनों की हार्ड कॉपीज, डॉक्यूमेंटेड हार्ड कॉपीज मैंने सबमिट करवाई गवर्नर हाउस में, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अली जुनैद जो उनके एडवाइजर है गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल साहब के, उनके पास ये सारी चीजें सबमिट हुई थी। एडिशनल सेक्रेटरी जुनैद साहब, उन्होंने मुझे अली जुनैद साहब के पास लेके गए, वहां पे मेरी सारी चीजों की सबमिशन हुई और उसके बाद आज का दिन है, कोई रिप्लाई नहीं आया। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तहरीक चला रहे हैं वकार जका, उनकी मैंने फेसबुक आईडी पे भी उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, अप्रोच करने की, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान वाला जो पेज है उसके ऊपर मैंने उनको अपना सारे प्रपोजल सारी चीजें भेजी थी, तो उसके ऊपर उनका रिप्लाई आया, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर शेयरिंग, वी आर बिल्डिंग वर्ल्ड्स प्रीमियर वर्चुअल बिजनेस प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन किक स्टार्ट योर आइडिया फ्रॉम रियलिटी टू लाइव, लेट मी नो इफ यू कैन कंट्रीब्यूट इन इट। और बहुत लंबा बड़ा ये मैसेज है, तो वो उन्होंने मुझे किया और उसके बाद अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। या तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं तो बिल्कुल ही ज्यादा डम हो गया और मैंने बोला कि नहीं, अब तो गवर्नमेंट से इस हवाले से कोई बात ना हो। लेकिन हाल ही में जब तानिया एड्रूस साहिबा का मैंने ये स्पीच देखी और उन्होंने बताया कि वो गूगल के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं और वो पाकिस्तान आना चाहती हैं अपनी जॉब छोड़ के और एक सिलिकॉन वैली जैसी कॉस्ट के ऊपर काम करेंगी या पाकिस्तान को फिजिकल टू डिजिटल की तरफ लेके जाना चाहेंगी, तो मैंने बोला इससे अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और मौका नहीं हो सकता कि उनके साथ कोलैबोरेशन में पाकिस्तान को फिजिकल टू डिजिटल किया जाए। तानिया साहिबा, अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो मैं आपको बताना चाहूं कि मैं फिजिकल टू डिजिटल की कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में भी मेरे इन सब चीजों का, ये सारी चीजें मेरे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स का हिस्सा हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स मैंने बनाए हुए हैं, फ्रेमवर्क बिजनेस मॉडल तैयार हैं, और जो मोबाइल ऐप जो मैंने यूट्यूब की ऑल्टरनेट बनाई है
एक दफा फिर सुन लीजिए सुनने वाले देखने वाले, YouTube का अल्टरनेट मैंने बना लिया है, तैयार हो गया, इसके लिए मुझे एक हाई परफॉर्मेंस डेडिकेटेड मोबाइल ऐप डेवलपर्स की टीम चाहिए और मुझे जो है वो वेब डेवलपर्स की भी टीम चाहिए और एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी तरफ से आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाती तो बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा। लेकिन मैं तानिया एड्रेस साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उसी जज्बे और जोश के साथ, उसी पैशन के साथ पाकिस्तान आई हैं, जिस तरह वो गूगल में शायद काम कर रही हो, और वो चाहती हैं कि हमारी अपनी एक सिलिकॉन वैली हो गूगल की तरह, एक गूगल की तरह हेडक्वार्टर हो, एक गूगल जैसा इदारा हो और जिसमें हाई परफॉर्मेंस टीम हो वेब डेवलपर्स मोबाइल ऐप डेवलपर्स की, तो आइए मेरे साथ हाथ मिलाइए कोलैबोरेशन का और स्टार्ट लेते हैं एक रेवोल्यूशन का। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कोई इनोवेशन और क्रिएशन पे काम नहीं हो रहा है और पिछले तकरीबन 10-20 साल से कोई बड़ा इनोवेशन और क्रिएशन का काम नहीं हो रहा है। अगर इनोवेशन क्रिएशन का काम हो भी रहा है तो इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट तेरी जेब, वो वाला हिसाब किताब है। तो मैं चाहता हूं कि तानिया एड्रेस साहिबा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अब मुझे शायद आखिरी फर्द नजर आती हैं कि जिनके साथ मैं कोलैबोरेशन या मैं अपना ये कीमती आइडिया शेयर करना चाहूं, तो सोच के गवर्नमेंट ने ऐसा ना कोई अपना सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया कि जहां इजीली आप कम्युनिकेट कर सकें, तो मैं चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट भी जरा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरह जरा डिजिटल हो जाए, उसके लिए ये सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारे। ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट है जो कि यूट्यूब का ऑल्टरनेट बनाया है, ऐसे पीछे 5 से 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट की टक्कर के हैं, अलीबाबा की टक्कर के हैं, और मल्टी वेंडर वेबसाइट का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। लेकिन इन सब चीजों के लिए एक हाई परफॉर्मेंस डेडिकेटेड मोबाइल ऐप डेवलपर्स और मोबाइल सॉरी वेब डेवलपर्स की टीम और एंजल इन्वेस्टर चाहिए, तब जाके ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी, तब जाके पाकिस्तान फिजिटल टू डिजिटल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तानिया एड्रेस साहिबा तक पहुंच जाए और मेरी बात समझ में आ जाए ताकि आपसे कॉन्टेक्ट हो सके। तो अपना और सबका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।